अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मरल मच्छी फ्राई कर रही हूँ, उसके लिए मैंने एक चम्मच हल्दी डाला है, नहीं ओका चमचा पसपु ऐसी ना मरी। मैंने इपड़ू जिंजर पेस्ट इस्तना, दो चम्मच जिंजर पेस्ट डाला मैंने। फिर स्वाद अनुसार नमक डाला। फिर मैंने दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाली मैंने। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, शाहजीरा को मैंने पीस लिया है, फिर डाल कूटा है हाथ से। फिर इसमें मैं थोड़ा सा फिर इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी बस, वो एकदम मिर्ची कारम पुड़ी ऐसी ना गरम मसाला पाउडर ऐसी ना కొంచెంగా నీళ్ళేస్తున్నా మరి నేను దీనికి ట్రై చేస్తా మంచిగా కలిసి మంచిగా కలిసి దీంట్లో నేను దీనికి ట్రై చేస్తా ये मरल मच्छी है। हल्दी, मिर्ची, अदरक लहसुन, गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है। फिर इसको मैंने भिगाने के लिए एक हाफ एन आवर रखूँगी भीगने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल लूँगी मैं, इसको भिगाने के लिए अच्छा नमक चढ़ने के लिए मरल मच्छी को मैं एक पॉम्पलेट भी डाला है मैंने इसमें फ्राई के लिए। मेरा बेटा मरल नहीं खाता एक, इसलिए मैंने पॉम्पलेट मच्छी भी डाला है। इसको मैंने कटाया है, देखिए इसको मैं साइड में रख देती हूँ। फिर ये फ्राई करने के लिए एक 10 मिनट्स यानी तो हाफ एन आवर तक मैं अच्छा नमक पान नमक चलने के लिए रख दूंगी। देखिए मैं फ्राई होने के लिए जितना चाहिए उतना ऑयल डालूंगी, वो ज़्यादा ही ऑयल डालूंगी क्योंकि तेल अच्छे से फ्राई होगा। तो मैं तेल मैंने 1.5 कप डाला है, इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। देखिए तेल गर्म हो चुका, अब मैं इसको डालूंगी मरल मच्छी को। जब अपन फिश तलने के लिए डालते तो इसको फिश के साथ मिर्ची को नहीं डालनी चाहिए, मसाले फिश के मिर्ची के। तो उसके लिए जब अपन फिश करते ना तो इसमें जो मसाला रहता तो मसाला जल्दी से नहीं डालना क्योंकि मसाला जल जाता, इसलिए लास्ट में ऊपर से डालेंगे। बाजार जाकर लेकर आई मैं अभी, इसलिए रात हो गई। देखिए ये अच्छे से पकने तक धीमी आंच पर रख दूंगी मैं ढक करके। देखिए मैं थोड़ी देर से ही निकाल रही हूँ, एक 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसे क्या करूँगी, हल्लू से आहिस्ता से पलटाऊँगी। ये मरल मच्छी है, जल्दी पक जाती है, पलटाऊँगी धीरे धीरे। धीरे धीरे पलटा कर फिर इसके बाद में जो मसाला है
मैंने नहीं डाला था मसाला, अब डालूंगी थोड़ा थोड़ा मसाला, क्योंकि जब डाले अपन पहले डाल दिया तो मसाला जल जाता मसाला, तो इसलिए मैं थोड़ा फ्राई होने के बाद में मसाला डाल रही हूँ। देखिए मसाला मैं ऊपर से डाल रही हूँ, तो अब अच्छे से पकने दूंगी इसको मैं। देखिए मैं ढक्कन निकाल रही हूँ, अब मैं इसको धीरे धीरे पलटाऊंगी। मसाला मैंने डाला, खुशबू अच्छी आ रही है मसाले से। अपन जब फिश तलते ना तो बहुत टेस्टी होती, पर बाहर से लाके नहीं खाना फिश, घर में ही फ्राई करके खाना, और सिर्फ मरल मच्छी खाना। मरल मच्छी में एक तो प्रोटीन ज़्यादा रहते और कोई अच्छा भी रहता, कांटा भी ना रहता ज़्यादा। देखिए अच्छे से पक रही है फिश, इसको कम से कम 5 से 10 मिनट कम आंच पर रख दिए तो और टेस्टी होती। एक भाप में ही अच्छी से फिश हो जाती। देखिए मैं निकाल रही हूँ, पूरा तेल छान करके निकालना चाहिए। और बहुत सारी फिश है तलने के लिए, मैं आपको इतनी ही बता रही हूँ। मैंने 1 kg लाया है कल सुबह में, कल सुबह मॉर्निंग में मैं इसको सालन भी बनाऊंगी कल। इसका मसाला भी अच्छे से पक चुका, अभी बहुत सारी तलना है, मैं आपको फिलोकत इतनी ही बता रही हूँ। देखिए मैं अब ये नेक्स्ट पार्ट डाल रही हूँ, ये है फिश, पॉम्पलेट फिश है ये। मेरा बेटा ये मरल नहीं खाता है तो एक मैं पॉम्पलेट भी लाई, और ये वाली मरल है 1/2 kg मरल है ये। ये 300 रुपये से मिल जाती है, देखिए 300-400 से मिल जाती बाहर। इसको मसाला मैं ऊपर से डालूंगी, अच्छे से पकने दूंगी मैं, ढक कर दूंगी। देखिए